वैसे इंग्लैंड कैसे हार गया ये मैच, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक टाइप में देख रही थी 78% प्रोबेबिलिटी थी एंड टू फॉर देम टू विन, और नेक्स्ट थिंग आई नो साउथ अफ्रीका मैच जीत गया, तो बहुत जबरदस्त खेला उन्होंने। आई थिंक फातिमा सबसे पहले तो मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीका दी क्रेडिट गोज टू बॉलर्स, और एक्चुअली अगर मैं हैरी ब्रुक की बात करूं तो वो एक अनफॉर्चुनेटली एक गलत टाइम पे गलत शॉट मार के वो आउट हुए, तो आई थिंक मेरे ख्याल में बॉलर्स जिस तरह साउथ अफ्रीका की मैं महाराज की बात करूं या अरबाडा की या उनके अदर्स बॉलर्स, तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे क्रेडिट गोज टू बॉलर्स, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि इंग्लैंड बड़ा इजीली चेस कर जाएगा, लेकिन अगर मैं महाराज की बात करूं जैसे उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया फिर उसके बाद अदर बॉलर्स, आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे साउथ अफ्रीका काफी टफ और बैलेंस टीम अब काफी शेप में नजर आ रही है। अहमद, यू नो देयर वर सम एरर्स जो इंग्लैंड टीम जो है ड्रेसिंग रूम में जाके डिस्कस करेगी, यू नो दे डिड मेस अप द बैटर्स स्पेशली। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए साउथ अफ्रीकन टीम को, और इंग्लैंड भी पैचेस में अच्छी क्रिकेट खेला है। आई थिंक साउथ अफ्रीका गॉट ऑफ टू अ फ्लायर, क्विनी डिकॉक ने ऐसी प्लेयर्स जब भी वो खेलते हैं बड़े तेज रन बनाते हैं, जिस टाइम पे वो खेल रहे थे तो लग रहा था कि 200 प्लस स्कोर होंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह का कमबैक इंग्लैंड के बॉलर्स ने किया है स्पेशली आदिल रशीद, आप देखिए कि उसने बड़े अच्छे बॉल किए, और ये एक फायदा होता है एक अच्छा लेग स्पिनर या एक अच्छा स्पिनर अपनी टीम में रखने का, कि वो अपनी टीम को इस तरह की परफॉर्मेंसेस से फायदा पहुंचाए ना कि वो लायबिलिटी बने। तो आदिल रशीद ने जिस तरह 4 ओवरों में 20 स्कोर दिए, उस टाइम पे क्विंटन डिकॉक को एज ए लेग स्पिनर वो यू नो लेफ्टी को बॉल कर रहा था जब वो चारों तरफ विकेट के मार रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया 165 ऑड पे, तो आई थिंक बड़ा अच्छा कमबैक था इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज आपको यू नो हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, कि कितना जरूरी होता है आपके ओपनर्स का अटैकिंग खेलना, कि आप देखिए कि जब क्विंटन डिकॉक ने शुरू में 2-3 अच्छे बॉल्स को शॉट मारे रिस्क लिया, उसके बाद जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर भी उनसे भाग रहा था, और जब आप भागते हैं तो बैट्समैन की स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करते हैं और आसानी से चौके मिलते हैं, तो ये आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है कि जब आपने बॉलर पे आप अटैक करना है और उसको डराना है, ना कि बॉलर जहां आपको बॉलिंग करी जाए वहां पे आपने कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी है। और ऑन दी अदर एंड साउथ अफ्रीका देखें बड़ा अच्छा मैच लेके गया, लेकिन वो जब ब्रुक और लिविंगस्टोन खेल रहे थे वहां पे मैच एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यू नो इंग्लैंड आराम से मैच जीत जाएगा, मार रहे थे दोनों बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे थे, और उसके बाद यू नो 3 ओवरों के अंदर गालिबन 25-26 स्कोर रह गए थे, लेकिन ये होते हैं मैच विनर बॉलर्स कि वो अपने मुल्क को आगे मैचेस जितवाएं, जिस तरह वहां नॉर्चिया ने बॉलिंग की, रबाडा ने एंड में बॉलिंग की है, यू नो हारा वह मैच उन्होंने, दो मेन बैट्समैन खेल रहे थे अपने मुल्क के लिए जितवाया है, तो ये है सुपरस्टार्स के जो बड़ी टीम के खिलाफ बड़े मैचेस में वर्ल्ड कप में आईसीसी टूर्नामेंट में अपने मुल्क को अपनी परफॉर्मेंसेस से मैचेस जितवाएं। तो आई थिंक पैचेस में दोनों ने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका डिजर्व करता था जीतना और वो जीते हैं। देन यू नो आप बात सो कह रहे हैं एग्जैक्टली वो जॉस बटलर से भी सिक्कू जब पूछा गया यू नो वेयर डू यू थिंक यू लॉस्ट द मैच, उन्होंने बोला क्विंटन डिकॉक जब आए थे पावर प्ले में इंटेंशन के साथ आए थे, उन्हें अटैक किया एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी लॉस्ट द मैच, सो क्विंटन डिकॉक रियली डिड द डैमेज। नहीं वो तो किया, मतलब रन इतने नहीं हुए, 160 हमारे जो आजकल के स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं दुनिया में। मैं देखें पहले मैं ये बात कर रहा था कि आप वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, वहाँ पे स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, वेस्ट इंडीज़ की पिचेस ऐसी नहीं हैं कि वहाँ पर आप फ्रीली खेलें, ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस नहीं हैं जैसे साउथ अफ्रीका के बल्ले पर गेंद आता है आप बैक फुट पर जाके खेलें, वो आप ऐसे नहीं खेलते, आपने उसको काफ़ी करनी रुक के खेलना पड़ता है, इसीलिए रन्स थोड़े कम हो रहे हैं। मगर एक बड़ा अच्छी पार्टनरशिप, उनके 4 आउट हो गए थे 78 के ऊपर इंग्लैंड के, और फिर उसके बाद सॉरी 61 पर, और फिर उसके बाद वो लेकर गए और ऑलमोस्ट उन्होंने जो है 78 रन की पार्टनरशिप लगा के उन्होंने एक जगह पहुंचा दिया था। वहाँ जो वो आउट हुए ना दोनों जो उनके बैट्समैन थे, एक तो ब्रुक्स 53 पे और लिविंगस्टोन 33, वहाँ से जो है ना इट ऑल वेंट डाउन फ्रॉम देयर, वहाँ से उनको मतलब उसको मैच फिनिश करना चाहिए था उनको। मगर वही है कि इस इन पिचेस के ऊपर कभी भी किसी वक्त भी कुछ ना कुछ हो सकता है, गेंद नीचे भी रहता है और ब्रेक तो खैर हो ही रहा है, तो आई थिंक इस वक्त दो स्ट्रॉन्ग टीमें मुझे नज़र आ रही हैं, उसके आ रही हैं साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ तो होम ग्राउंड्स पे खेल रही है,
बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है. तो लेट्स सी, यू नो आई रियली वांट साउथ अफ्रीका के वो जीते टाइटल. यू नो प्रोसेस जो प्रोग्रेस होगा, होप्स को हाई नहीं करें. बट टॉकिंग अबाउट होप्स एंड हाई, लेट्स टॉक अबाउट द वेस्ट इंडीज जिसने यूएसए को शिकस्त दी बाय 9 विकेट्स. एंड आई थिंक भट्टी साहब आप भी एग्री करेंगे, यूएसए ने आई थिंक जितने अच्छे मैचेस खेले थ्रू आउट, ये इनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी. दे वर जस्ट नॉट अ कॉम्पिटिशन, वेस्ट इंडीज वर टू गुड. भट्टी साहब आपने कहा ना कि सारी टीमें अभी जी, तो मेरे ख्याल में यूएसए की टीम अब उसका T20 वर्ल्ड कप जो है खत्म हो गया, क्योंकि दो मैच हारने वाली टीम अब इस टूर्नामेंट में आगे नहीं जाएगी. बल्कि एक वीडियो आईसीसी ने रिलीज की है जो कर्टली एम्ब्रोज जो वेस्ट इंडीज के ग्रेट हैं वो ड्रेसिंग रूम के बाद अमेरिकन ड्रेसिंग रूम में गए और उन्होंने जाके प्लेयर से कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला लेकिन अब आपको इन गलतियों से सीखना है और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना है. उन्होंने कहा कि आपको करियर में उस वक्त तक सक्सेस नहीं मिल सकती जब तक आप अपनी क्रिकेट को एंजॉय ना करें. मेरे ख्याल में ये जितनी भी बातें हो रही है, डिकॉक को देख लें या अमेरिकन टीम को जो कर्टली एम्ब्रोज ने मैसेज दिया, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम पर बिल्कुल ये सादिक आता है कि डिकॉक जिसने अपनी सारी क्रिकेट छोड़ दी, सिर्फ उन्होंने अपने आप को T20 क्रिकेट तक महदूद रखा. पिछले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच थे, कल भी हालांकि टॉस इंग्लैंड ने जीता और उस वक्त जॉस बटलर कह रहे थे कि हम टॉस जीत के मॉइस्चर का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन डिकॉक ने सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल दिया. फिर अमेरिकन टीम ने जिस तरह इंपैक्ट क्रिएट किया है और व्हाइट हाउस से पाकिस्तान को हराने के बाद व्हाइट हाउस से मुबारकबाद के मैसेज आए, तो इसका मतलब है कि ये टीम भी बड़ी टीमों के लिए थ्रेट बन रही है. लेकिन दूसरी टीमें तो फातिमा बहुत कुछ हासिल करके आगे जा रही हैं, लेकिन हम बहुत कुछ गंवा के वापस आ रहे हैं, तो लिहाजा अब हमारे लिए सीखने का और सबक हासिल करने का इस टूर्नामेंट में बहुत मौका है. आई होप कि वेस्ट इंडीज की टीम भी फंसी हुई है कि वो सेमीफाइनल में चली जाए, लेकिन जो हालात लग रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका के बाद लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की टीम का भी सफर सुपर 8 के बाद खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है. मतलब एक बात आपने साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को अगर हरा दे एंड देन दे आल्सो बीट इंग्लैंड विद अ बिग मार्जिन, फिर यूएसए टेक्निकली जा सकते हैं. सो टेक्निकली दे आर नॉट आउट येट. मगर ये कि मैं उस बात पे मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था कि एम्ब्रोस ने जाकर उनको बोला आप और सीखेंगे. उन बेचारों की उम्रें कितनी हैं, सारे तो 33, 34, 35 साल के लड़के हैं वो, उनके बेचारे को क्या सीखना, वो तो रिटायर्ड प्लेयर हैं. मगर ये कि उनको अब अगर बिल्डअप करना है तो नए लड़के उनको टीम में रखने पड़ेंगे, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि हमें अब नई लॉट लेके आनी है. नई लॉट को प्रॉपर तरीके से लेके आनी है, ये नहीं है कि अब मैं आप लोग स्पिनर्स के उस दिन बल्कि लिखा हुआ आया था कि स्पिनर्स हमारे जितने स्पिनर हैं दो तो 38 के हैं. सिको वी विल कम टू पाकिस्तान, जस्ट गिव मी अ सेकंड. अब बस लास्ट हम लोग इंडिया बांग्लादेश के मैच की भी बात कर ले. आई मीन अहमद आपसे लेट्स टेक योर वर्ड ऑन दिस क्रूशियल मैच फॉर बांग्लादेश. इंपॉर्टेंट मैच है देखिए दोनों टीम्स के लिए. इंडिया कोशिश करेगा कि जो मोमेंटम उनको मिला है वो उसको ब्रेक ना करें, लूज ना करें. और एट द सेम टाइम इंडिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आने वाले बड़े मैचेस से पहले उनके जो दो बड़े बैट्समैन हैं रोहित और कोहली वो अमंग्स द रन्स हों, तो उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट करेगी इस मैच में. ऑन दी अदर एंड देखें एशिया में थोड़ी सी टसल रहती है, बांग्लादेश भी कोई इतनी खातिरख्वाह परफॉर्मेंसेस दे नहीं सका, लेकिन इंडिया का और बांग्लादेश का और इंडिया और पाकिस्तान का मैच इस तरह का होता है कि अगर आप ये जीतने में कामयाब हो जाए तो फेस कवरिंग हो जाती है. तो बांग्लादेश भी पूरी कोशिश करेगा कि इस मैच में जान मारे ताकि जैसी भी परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं थोड़ी सी फेस कवरिंग हो जाए. तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन इंडिया बहुत प्रोफेशनल साइड है, बहुत बड़ा यूनिट है, हर नंबर पे बैट्समैन उनके पास है, यू नो अच्छी एक प्लानिंग के साथ एक यूनिटी के साथ खेल रहे हैं. बॉलर्स उनकी तगड़ी फॉर्म में है, बुमराह ने जिस तरह लास्ट मैचेस में भी जो उनके फिगर्स थे दैट वॉज अमेजिंग. तो मेरे ख्याल से वो यू नो उनको पता है इस वर्ल्ड कप की अहमियत का, इस गेम की इंपॉर्टेंस का, क्योंकि जब आप इस तरह के मैचेस में वर्ल्ड कप्स में मोमेंटम लूज करते हैं तो उसके बाद वापस गेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इस तरह की नॉकआउट सिचुएशंस जो आगे आने वाली हैं उसमें उनको इस इंपॉर्टेंस का पता होगा, वो पूरी यू नो जोर लगाएगा इस मैच को जीतने के लिए. एब्सोल्युटली, और सर्वाइवल की बात है बांग्लादेश के लिए इमरान, आई मीन उनको सर्वाइव करना है और वो थोड़े यू नो हॉट एंड कोल्ड रहे, इनकंसिस्टेंट ही रहे हैं थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट. सो दे आई मीन एक तौहीद है हु हैज बीन वेरी गुड थ्रू आउट, तो इनके बस होप्स हाई करने के लिए आज कुछ करना पड़ेगा, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.